अभी 15 सालों से तो हमारी सरकार थी नहीं, अभी आप लोग अच्छा एक विधायक दिए हैं, अपना भाई बनाए हैं, वो सेवा करेगा ये तो मुझे पूरा विश्वास है। और इसी कारण आपके प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। आप विश्वास रखिए आपके सारे काम होंगे, क्योंकि आपके जो पहले के सांसद थे महंत जी, महंत जी को आप जानते हैं ना साहब, आपके गांव में भी आए हैं, वो भी यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं। भूपेश बघेल जी जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं, ये सभी अपने हैं, अपने घर के हैं, सब काम आपका होगा। रुका हुआ है 15 सालों से जो विकास अब होगा पूरी तरीके से होगा। मैं आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आई हूँ, आप लोगों से अपना समर्थन मांगने आई हूँ। 8 विधानसभा में जाती हूँ, मुझे पता चलता है कहाँ क्या है, तो मैं सब नोट करती जाती हूँ, उसको लिखती जाती हूँ। जैसा कि मुझे आदरणीय सोनिया जी ने प्रत्याशी आपके यहाँ का बनाया है, मैं समाज सेविका रही, आती जाती रही हूँ, भाभी के रूप में यहाँ प्रसिद्ध हूँ, सब मुझे भाभी कहते हैं। कोई बड़ी माँ कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई बहनी कहता है। मैं आपके परिवार का एक हिस्सा बनने आ रही हूँ, सदस्य बनना चाहती हूँ, और आप भी मुझे अपना सदस्य समझें। ये पूरा लोकसभा, कोरबा लोकसभा मेरा परिवार बन चुका है। मैं जगह जगह जाके देख रही हूँ, पानी की बहुत सारी समस्याएँ हैं, रोड की समस्याएँ हैं। अब 15 सालों से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था ना, अब अपनी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो पूरा नियम कानून अब अपन लागू करेंगे। पिछले अभी तुमानी तो था ना जहाँ गए थे, वहाँ 2 महीने से चावल नहीं मिला हमारी जनता को, 2 महीने से राशन नहीं बटा। अभी हम लोग डांट डूट के आए तो अभी बट रहा है। तो बहुत सारी बिगड़े हुए चीज़ें हैं जो सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन एक 1.5 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। आपकी जो पेंशन है वो भी बढ़ गई है, 350 से अब हो गई है 1000, 1500 बढ़ जाएगी तो 70 साल के ऊपर होंगे। 35 किलो आपको चावल मिलेगा, और आपके घर में जितने सदस्य होंगे सबको 7-7 किलो मिलेगा। ऐसा नहीं है 35 के अलावा भी मिलेगा, 2 आदमी होंगे तो भी 35 किलो मिलेगा। सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, बस आपका सहयोग चाहिए कि दिल्ली में आपकी सरकार बन जाए, राहुल जी हमारे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो आपको गरीबी रेखा के लोग हैं उनको 6000 उस परिवार की महिला को मिलेंगे, इस तरह 72000 साल का मिलेगा, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाएं। इतनी तो रोजनदारी अपन लोगों को यहाँ दे नहीं रही, तो आपको कम ये है, उनका सोच ये है कि घर में कोई भी हमारे देश का कोई भी हमारा मतदाता हमारी जनता भूखी ना सोए, इसलिए आपको ये सब दे रहे हैं। अब आपका फर्ज एक ही है कि अपन कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। पिछली बार आपने बना ही दिए सरकार, अभी आपने प्रदेश बदला, अब देश की जवाबदारी आपके ऊपर है, आप उसको बदलेंगे पूरी आशा है। और मैं एक समाज सेविका हूँ, मुझे अवसर देंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मेरा जीतना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि आपकी समस्याएं हम लोग दिल्ली तक ले जाएंगे, राहुल गांधी तक ले जाएंगे, और हम सब मिल करके, केटा जी हम सब मिल करके इस समस्याओं का दूर करेंगे, ये मेरा आपको विश्वास दिलाना है, वादा करना है। अभी तो नहीं बोलती, लेकिन जीतने के बाद आप स्वयं देखना कि हम लोग कैसा काम करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सत्य।